हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं रसधानी के बारे में। बैकोल क्या होता है, रसधानी क्या होती है, इसको समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको लयन काय के बारे में बताया था, आइए देखते हैं बैकोल रसधानी। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जब आपने अध्ययन किया था तो उसमें देखा था कि जंतु कोशिका में जो रसधानी होती है या तो होती नहीं है या फिर होती है तो बहुत छोटे आकार की, जबकि पादप कोशिका में रसधानी जो है सेंट्रल में और बड़े आकार की होती है, ठीक है। और यह कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इस रसधानी में क्या क्या होता है, इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं, और इस रसधानी में क्या पाया जाता है, तो इस रसधानी में पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद भी पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, रसधानी जो है सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पादप कोशिका में जो रसधानी है वह कोशिका का 90% जगह घेर लेता है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं रसधानी वैकोल के बारे में। आपको बताया गया कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं, और इस रसधानी के अंदर क्या क्या रहता है, तो इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है रसधानी में मिलते हैं। रसधानी जो है एकल झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन, पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत, पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत, ठीक है, टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं, ठीक है। तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत जो है, पौधों में बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं, मूवमेंट करते हैं, इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है, ठीक है। तो रसधानी में जो सांद्रता होती है वह कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं, इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है, ठीक है। अमीबा में देखे ध्यान से, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है।
अमीबा में जो रसधानी होती है वह संकुचलशील रसधानी होती है जो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है, उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं में जैसे आद्य जीव में जो आद्य जीव हैं उनमें खाद्य रसधानी का निर्माण होता है खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमीबा में संकुचलशील रसधानी होती है जो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जबकि बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण होता है जो खाद्य पदार्थ को निकलने के लिए होता है, खाद्य पदार्थ को निगलने के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था रसधानी वैकुल के बारे में। थैंक यू।